हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, खमागणी, जयपुर। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विनायक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। दोस्तों, आज मैं यहां पर हाथोज के अंदर जो हाथोज स्टैंड है उससे अप्रोक्सीमेटली 400 मीटर अंदर एक JDA की कॉलोनी है, जो गेटेड कॉलोनी है, उसके अंदर यहाँ आपको विजिट कराने के लिए आया हुआ हूँ। आप देख सकते हैं सामने बोर्ड है, उसके ऊपर देख सकते हैं शिवकुंज विलाज, इस कॉलोनी का नाम है शिवकुंज। और यहाँ पर गेटेड टाउनशिप है, जिसके अंदर 70 गज से लेकर के 100 गज तक, 30 लाख से लेकर 50 लाख तक के विलाज हैं। और इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये सामने की तरफ देख सकते हैं, ये है गेट, एंट्री गेट है, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लांटेशन वगैरह किया हुआ है। और यहाँ अगर आप इस तरफ देखते हैं तो ये है सिक्योरिटी गार्ड रूम, यहाँ गार्ड रूम है, जहाँ आपको एंट्रेंस करने से पहले यहाँ सिक्योरिटी चेकिंग होगी। उसी के साथ में आप देख सकते हैं कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, जिसमें कैमरा सिक्योरिटी भी है, और इसी के साथ वाईफाई कनेक्टिविटी है। इसके अंदर पार्क है, लैंडस्केप पार्क हैं दो, और सीवरेज है, यहाँ पर पानी की सुविधा है, यहाँ 24 आवर्स पानी है, बिजली है, और ऑल एमिनिटीज हियर। इसी के साथ में अगर हॉस्पिटल, मॉल्स, टाउन और बस स्टैंड वगैरह, अगर ये सब स्कूल्स वगैरह सब देखें तो अप्रोक्सीमेटली 300 मीटर के रेडियस के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। तो चलते हैं अभी आगे अंदर की तरफ, और बाकी सारी डिटेल्स मैं दूंगा, बने रहे वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि बिना बेल आइकन प्रेस किए आपको नए नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। तो चलते हैं हम, अभी आप देख सकते हैं ये मेन एंट्रेंस गेट है, जिसके अंदर से आपको मैं लेकर के चलता हूँ। क्या एंटर करते ही आप देख सकते हो दोनों तरफ गेट है, इन गेट एंड आउट गेट दोनों अलग अलग साइड से हैं। और इसी के साथ में आप देख सकते हो बीच के अंदर ये जो पौधे लगा करके एक डिवाइडर का काम कर रहे हैं, साथ में दोनों साइड जो आप देख सकते हो पौधे लगाए हुए हैं, आप इधर भी देख सकते हो ग्रीनरी का, जो कि आपको ग्रीनरी का एहसास कराती है। साथ ही आपको मैं दिखाता हूँ कि जो यहाँ पर पार्क है, आप देख सकते हैं ये, आप देख सकते हैं JDA पार्क है, जो कि फुली डेवलप है। और इसी के साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर रो हाउसेज है, आप देख सकते हैं ये ईस्ट एंड वेस्ट फेसिंग के अंदर सारे विलाज हैं, जो कि ये। और इसी के साथ में आप देख सकते हैं ये CC रोड बनाया हुआ है पूरी टाउनशिप के अंदर। और इसी के अंदर जो मैं आपको पार्क बता रहा था, आप देख सकते हैं बेहतरीन फुली डेवलप पार्क है, जहाँ पर आप इवनिंग के टाइम में या अर्ली मॉर्निंग आकर के इसका आनंद ले सकते हैं। ये आप देख सकते हैं अंदर एंट्री के लिए भी ये क्रॉस गेट है, जिसमें एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर लाइट्स वगैरह, और ये आप देख सकते हैं बेहतरीन बच्चों के लिए यहाँ पर काफ़ी इक्विपमेंट लगाए हुए हैं। वहीं पे आप देख सकते हैं चेयर्स वगैरह डाली हुई है और पूरा ग्रास लगाया हुआ है। तो एक बेहतरीन फुली डेवलप आपको पार्क मिलेगा। बहुत सी कॉलोनियाँ होती है, बहुत सी JDA अप्रूव्ड टाउनशिप्स होती है, लेकिन उनके अंदर पार्क इस तरह से डेवलप नहीं होते। यहाँ पर आपको डेवलप्ड पार्क मिल रहा है। वहीं पर अभी मैं लेकर चलता हूँ आपको आगे मकान की तरफ, डुप्लेक्स की तरफ। देख सकते हैं ये CC रोड है, और आप देख सकते हैं आगे भी यहाँ पर विलाज वगैरह का काम चल रहा है इसी के अंदर। और अभी हम चल रहे हैं जो फुली रेडी टू पजेशन के अंदर विलाज है, उन विलाज की तरफ चल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं ईस्ट और वेस्ट फेसिंग के अंदर यहाँ पर विला है, और इसी के अंदर 70 स्क्वायर यार्ड से लेकर के 100 स्क्वायर यार्ड तक के सारे विलाज हैं। तो वन बाय वन करके मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं ये, आप देख सकते हैं ये इस तरफ जो विलाज हैं, इन्हीं के अंदर अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ। हर एक विलाज के ऊपर नंबर्स डाले हुए हैं, जैसे आप देख सकते हो ये 36 है, 35 है, 34 है, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने बताया था JDA अप्रूव्ड विलाज है, आप देख सकते हैं ये जो विला है अभी मैं आपको दिखाने के लिए चल रहा हूँ, 20x40 90 वर्ग गज के अंदर ये विला है, जो कि 4 BHK है, फुली
फर्निश्ड डुप्लेक्स विला है। तो अभी चलते हैं हम, ये आप देख सकते हैं सारी एमिनिटीज़ के साथ है। जैसे हमने एंट्री की, ये आप देख सकते हैं रैंप है और यहाँ पर ये है गेट, ये गेटेड टाउनशिप है जिसके अंदर आप देख सकते हैं ये अंदर घुसते ही पार्किंग है जिसके अंदर एक फोर व्हीलर गाड़ी की पार्क की जाती है। और सामने आप देख सकते हैं ये जो फ्रंट साइड का जो रूम है उसके सामने की बैल्कनी। अभी यहाँ से हमने एंट्री किया तो आप देख सकते हैं दो स्टेयर चढ़ के जैसे ऊपर गए तो आप देख सकते हो कुर्सी हाइट, जो मकान की कुर्सी हाइट है वो भी काफ़ी अच्छी ऊंची ली गई है। आप चाहे तो देख सकते हैं जो सामने रोड है वहाँ से काफ़ी हाइट दे करके ये मकान बनाया हुआ है। उसी के साथ में आप देख सकते हैं पानी का टैंक है 5000 लीटर का और यहाँ मीटर बॉक्स लगेगा। अभी यहाँ देख सकते हो आप फ्रंट्स, ये बाहर से इसका जीना है, स्टील की रेलिंग है, ग्रेनाइट का जीना है। इसी के साथ में जैसे ही हमने एंटर किया आप देख सकते हैं फ्रंट साइड में जैसे ही हमने एंटर किया ये है विंडो और इसमें पर्दे वगैरह फुल सब कुछ लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो गेट है, गेट के अंदर लॉक है, ये ऑटो लॉक है और वहीं पर आप देख सकते हो जैसे हमने एंटर किया एक बेहतरीन बहुत ही शानदार फर्निश्ड मकान, जो कि हॉल आप देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन शानदार, ऊपर लाइट्स वगैरह लगाई हुई है, झूमर लगाए हुए हैं, पंखे वगैरह लगाए हुए हैं, फॉग लाइट्स लगाई हुई है और रॉयल प्ले में डिज़ाइन आप देख सकते हो। एक वॉल के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो बनाया हुआ है शानदार, और ऊपर देख सकते हो फॉल सीलिंग में कलर किया हुआ है और यहाँ सीनरी लगाई हुई है आप देख सकते हो। वहीं पर आप देख सकते हो ये एल शेप में सोफा लगाया हुआ है, ड्रेसिंग टेबल दी हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हो वॉश बेसिन एक शानदार बेहतरीन आपको मिलेगा यहाँ पर, वॉश बेसिन जो कि देख सकते हो आप। और इसी के साथ में आप देख सकते हो यहाँ पर जो ये दिया हुआ है टीवी शोकेस, आप देख सकते हो ये सब कुछ शानदार एक यूनिक आपको दिखाई देता है। वहीं पे आप देख सकते हो यहाँ पर टीवी लगाया जाएगा जो कि टीवी शोकेस है और इसके अंदर भी ये लाइट्स वगैरह दी हुई है। इस तरह से आप देख सकते हो ये था हॉल जिसमें विट्रीफाइड टाइल्स बेहतरीन शानदार। वहीं पे कॉमन बाथरूम आप देख सकते हो सिंगल पीस इसके अंदर यूज की हुई है और ये है बेहतरीन, वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं है, वॉशरूम है जो कि वेस्टर्न टॉयलेट है। इसी के साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मकान है ये वेस्ट फेसिंग है, वास्तु के अकॉर्डिंग बना हुआ है। आप देख सकते हो ये है किचन, मॉड्यूलर किचन है, फुली फर्निश्ड आप देख सकते हो, यहाँ फ्रिज के लिए स्पेस होगा और विट्रीफाइड टाइल्स है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये ट्रॉली वगैरह सब लगी हुई है और ये कैबिनेट्स बनाए हुए हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप। और इसी के साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर चिमनी दी हुई है इसके अंदर और यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए ऊपर खिड़की दी हुई है और चिमनी के लिए ये देख सकते हैं वहाँ पर वो एग्जॉस्ट के लिए दिया हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है फिटिंग की हुई है और इसके अंदर यहाँ पर आरओ एंड गीजर पॉइंट्स दिए हुए हैं, लाइट्स वगैरह सब दी हुई है। इसी के साथ में आप देख सकते हैं ये है मास्टर बेडरूम, मास्टर बेडरूम एक बहुत ही बेहतरीन लिविंग लाइफ स्टाइल शानदार आप देख सकते हैं। ये है डबल बेड जो दिया हुआ है और इसी के साथ में इसको इस तरह से कवर्ड किया हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये वार्डरोब जो कि आप देख सकते हो बेहतरीन बहुत ही शानदार बड़ी वार्डरोब है जिसके अंदर आप अपना काफ़ी सामान व्यस्त कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप सीनरी लगी हुई है, लाइट्स लगाई हुई है, ऊपर फैन दिया हुआ है, पर्दे वगैरह लगाए हुए हैं और अटैच टू गैलरी है आप देख सकते हैं पीछे चैनल गेट के माध्यम से आप देख सकते हैं ये चैनल गेट है जिससे ये वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर दिया हुआ है गैलरी और यहाँ पर ये टैप दिया हुआ है जिसे आप वॉश एरिया के यूज में भी लिया जा सकता है। इस तरह से ये आप देख सकते हैं फ्रंट साइड का ये है बेडरूम जो कि इसके अंदर भी फुली फर्निश्ड दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर शोकेस हैं, जो बेड लगाए हुए हैं ये भी हाइड्रोलिक है और इसी के साथ में ऊपर देख सकते हैं आप पूरा कवर्ड किया हुआ है वुडन से और पर्दे वगैरह लगाए हुए हैं, ऊपर फॉल सीलिंग दी हुई है और सामने की तरफ आप देख सकते हो शोकेस दिया हुआ है, टीवी शोकेस। तो इस तरह से बेहतरीन मकान है ये और सामने अटैच्ड बाथरूम है आप देख सकते हैं, ये वेस्टर्न टॉयलेट है और इस तरह से यहाँ पर 3 टॉयलेट और 2 बेडरूम, 1 हॉल और 1 किचन मिलता है ग्राउंड फ्लोर पर। अभी हम चल रहे हैं 1st फ्लोर पर, अगर बातचीत करें रेट
यह आपने देखा ग्राउंड फ्लोर। और अभी बात करते हैं हम रेट की, तो ये JDA अप्रूव्ड है और JDA पट्टे के अंदर है। इसकी अगर रेट की बात करें तो 42 लाख रुपए के अंदर ये है। इसी के साथ में अगर आप इस तरह से पूरा फर्निश्ड मांगते हैं, अगर पूरा फर्निश्ड मांगते हैं तो 45 लाख रुपए इसकी कीमत है, जो कि निगोशिएबल है और बहुत ही रीजनेबल कीमत है इसकी। तो अभी मैं लेकर चलता हूँ आपको, ये था ग्राउंड फ्लोर, अभी मैं लेकर चलता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे और वहाँ दिखा दूँ। ये अभी हम छत पर आ चुके हैं और इसी के अंदर जैसे ही हमने एंटर किया, आपने देखा जैसे ही ग्राउंड फ्लोर पे आपने जिस तरह से देखा था वैसे ही सेम है। जैसे ही हमने एंटर किया आप देख सकते हैं ये उसी तरह से सेम फ़ैन वगैरह सब लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये लाइट्स वगैरह डेकोरेशन के लिए दी हुई है, जो कि बेहतरीन एक शानदार लुक देती है। सोफ़ा वगैरह दिए हुए हैं और ये हॉल हो गया। इसी हॉल के अंदर आप देख सकते हैं कॉमन बाथरूम, जो कि आपको नीचे भी था कॉमन बाथरूम, और उसी के साथ में आप देख सकते हैं ये है किचन, मॉड्यूलर किचन है, जो कि आप देख सकते हैं उधर फ्रीज रखने की स्पेस है और ये पूरा कवर्ड किया हुआ है। इसी के साथ में आप देख सकते हैं ये है मास्टर बेडरूम, जो कि नीचे आपने मास्टर बेडरूम देखा था सेम वही मास्टर बेडरूम है ये। इसके अंदर भी सेम पूरा फर्निश्ड किया हुआ है। और इधर देखें तो स्लाइडिंग आप देख सकते हैं, ये स्लाइडिंग वाला गेट, ये स्लाइडिंग वाला गेट है और आप पीछे देख सकते हैं वॉश एरिया का यूज किया जा सकता है। फिटिंग है, एसी वगैरह सब फिटिंग दी हुई है। और अभी हम वापस हॉल में आ चुके हैं और अभी आप देखें तो ये है फ्रंट साइड का बेडरूम। इसमें भी आप देख सकते हैं ये डबल बेड दिया हुआ है और ऊपर फिनिशिंग दी हुई है। इसी के साथ में आप देख सकते हैं ये सीनरी वगैरह दी हुई है और अटैच्ड आप देख सकते हैं ये है बाथरूम, जो कि इंडियन टॉयलेट है। और अगर हम इधर की बात करें तो आप देख सकते हैं टीवी, जो एलसीडी पैनल है, यहाँ एलसीडी लगेगा और ये भी बेहतरीन खूबसूरत दिया हुआ है। टाइल्स दी हुई है, विट्रीफाइड टाइल्स है और अटेस्ट अगर पर्दे वगैरह सब लगे हुए हैं। इसी के साथ में अगर हम बात करें अटेस्ट बालकनी, आप देख सकते हैं बेहतरीन बहुत ही शानदार लुक ये है बालकनी। और ऊपर देखें तो वुडन कलर दिया हुआ है और ये टाइल्स वगैरह दी गई है। इसी के साथ में आप देख सकते हैं रेलिंग स्टील की रेलिंग है और टफन ग्लास यूज किया गया है। और सामने की तरफ देखें तो सारे मकान वगैरह सब है। इसमें कुछ सेमी डुप्लेक्स भी हैं जैसे कि आप सामने की तरफ देख रहे हैं। तो ये था जो कि 20x40 साइज़ में बेहतरीन एक बहुत ही खूबसूरत मकान था। ऐसी और भी प्रॉपर्टी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं ऐसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।